हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि मैं रायपुर आ गया हूँ और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारा जो बिजली डैम था नारायणपुर में, उसका जो सौंदर्यीकरण करके उसका नाम जो है अब सांसरोवर रखा गया है। इसमें जो अहम भूमिका जो निभाया है, जो पूरे इस कड़ी में जो अहम भूमिका निभाया है, वो हमारे जिले नारायणपुर जिले के आरआई सर जो है दीपक साहु सर, उनका एक छोटा सा वीडियो इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। और कुछ उद्घाटन के समय, जैसे कि ये जो उद्घाटन जो हुआ है 2 दिसंबर 2020 को हुआ है, तो इसका उद्घाटन के समय कुछ ड्रोन शॉट्स और क्वालिटी शॉट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंजॉय करिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, बिना कोई देरी के इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आज अब हमारे जो नारायणपुर जिला है उनके आरआई सर के पास आया हूँ। तो उनसे आज जानिए जो सांसरोवर जो है उन्होंने सौंदर्यीकरण की अहम भूमिका निभाई है, उनसे कुछ प्रश्न पूछा जाएगा मेरे द्वारा और जिनका जवाब जो है हमारे आरआई सर देंगे। तो जो मेरा पहला जो प्रश्न है वो यही है कि जो नारायणपुर हमारा जिला है सर, वो मतलब आप ये यहाँ जो काम कर रहे हैं, लोगों को क्या विचार रखना है इसके प्रति, आप बताइए। हमारा टारगेट जो था वो करना फाउंडेशन और पुलिस की टीम जी, जो बांध पे जाके काम की, जो पहले बिजली बांध था, जो सांसरोवर है जी जी। हमारा पहला टारगेट ये था कि लोगों को आसपास ना तो कोई ऐसा जगह है नारायणपुर के बारे में बताना चाहेंगे तो क्या बताएंगे जी, तो कम से कम ऐसा जगह कुछ ऐसा डेवलप हो कि अगर बाहर के लोगों को भी अगर हम घुमाने लाते हैं या किसी के यहाँ भी कोई फैमिली मेंबर्स आता है जी, तो कुछ ऐसा जगह है जहाँ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। बिल्कुल। और नारायणपुर के बारे में जैसे हम जानते हैं कि अबूझमाड़ की संस्कृति है, आश्रम यहाँ अच्छा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे करके खुलेंगी जी। तो उस खुलने के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहला जो हमारा टारगेट था वो है हमारा सांसरोवर, जहाँ आप लोगों को बुला सकते हैं, बस्तर में भी जाके बोल सकते हैं कि हमारे पास भी ऐसा बांध है जहाँ वाटर स्पोर्ट्स करा सकते हैं, जहाँ पिकनिक क्लब जा सकते हैं, बहुत सुंदर जगह है, लोकेशन अच्छा है, जहाँ पहाड़ मिलती है, जहाँ ग्राउंड अच्छा है। तो बस ये था कि नारायणपुर को छत्तीसगढ़ लेवल पे जानने के लिए कोई ऐसा टूरिस्ट प्लेस बने जी, ये पहला टारगेट था और लोगों को हम लोग वहां लेके आए और यहाँ वाले लोगों को भी वहां पर लेके जाए जी। इससे क्या होगा कि नारायणपुर का जो नाम है वो आगे बढ़ेगा, पहला टारगेट ये। अच्छा, और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये रहेगा सर आपसे कि जो जैसे कि आप कोई लोग वहां पे पिकनिक मनाने आते हैं सांसरोवर में, तो स्वच्छता के प्रति क्या ध्यान, मतलब क्या उनको जानना चाहिए स्वच्छता को? सबसे बहुत जरूरी और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका जी। पहली बात यह कि जैसे 2 साल पहले यहाँ पर था कि कहीं भी कोई डस्टबिन में कुछ भी सामान फेंक दो, कहीं बाहर कर दो, लेकिन जब से स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, लोगों को शौचालय जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो वहां पर जब आप जाएं, हमारा ये टारगेट था कि हम लोग स्टार्ट भी किए उससे, सबसे पहले हम लोग वहाँ गाँव की जो सबसे पहले एंट्री था उस जगह को हम लोग साफ किए, नाली निकलवाए, नाली सेंक्शन करवाए और सफाई करने के बाद रोड को भी क्लीन किए। जब वहाँ पहुंचे तो वहां पर हम लोग डस्टबिन सबसे पहले बनाए, हमारा पहला टारगेट था कि हम कहाँ लोग कचरे फेंकें, तो 5 डस्टबिन आपको बना हुआ वहाँ मिलेगा जी, मैंने देखा, ताकि एक हट से अगर आप कचरा फेंकें तो वहाँ फेंकेंगे, दूसरा आपका जो डस्टबिन है वो ऊपर भी जाएंगे, तो उसको ध्यान रखते हुए हम लोग प्लान किए। अच्छा, तो डस्टबिन के साथ साथ हम लोग वहाँ सफाई सबसे पहला काम था जी, तो हम चाहते कि वो पर्यावरण एकदम क्लीन रहे जी। स्वच्छता का अभी जैसे कोरोना भी चल रहा है तो लोग अभी इतना हाथ धोना सब चल रहा है, तो हम लोग हाथ धोने की व्यवस्था वहाँ पर कराए जी, और साथ ही साथ कम से कम उस जगह को हम लोग कचरे को जलाए, क्योंकि उससे और लोग जलाने के लिए प्रेस करते हैं, हम लोग वहाँ कचरे को हटा के दूसरी जगह डंप किए ताकि वो खाद भी मिल जाए जी। तो ऐसा प्लानिंग है वहाँ पर कि लोग साफ सफाई पे ध्यान दें और वो जगह एकदम क्लीन रहे, तो इसी टारगेट पे लेके हम लोग काम भी कर रहे हैं। और आगे हम लोग 1 सप्ताह में 1 दिन, आज भी जैसे हम लोग गए थे साइकिलिंग करके और वहाँ पर 1 घंटा हम लोग सफाई की,
जब भी हम वहाँ पहुंचेंगे सप्ताह में एक दिन हम लोग गाँव वालों के साथ मिलकर सफाई भी साफ सुथरे और उनको प्रेरित भी करेंगे। बहुत बढ़िया सर, मेरा तीसरा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा कि जो हम सांसरों के आसपास को जो डेवलप किए हैं तो उसमें गांव वालों की क्या भूमिका रहेगी, जैसे कि रोजगार है, स्वरोजगार है, उसमें गांव वाले का आप क्या मदद कर सकते हैं? इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट, सबसे यूजफुल जो चीज है वो तीसरा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि गांव वाले जो है वो उनको रोजगार के लिए अभी या तो मिस्त्री का काम करेंगे या पर डे डेली वेजेस से काम करेंगे जी, लेकिन रोजगार खुद कम मिलती है और समय पर मिलती है। लॉकडाउन में तो स्थिति और खराब हो गई जी। अभी जब वो पर्यटन जगह विकसित हो रहा है तो तीन तरीके से उनको जॉब मिल सकता है, इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा प्रयास कर भी रहे हैं और पूरे प्रशासन का उसमें सहयोग मिलता है जी। जैसे सबसे पहला जो वहाँ पर जॉब मिलेगा, एक तो अगर पर्यटन वहाँ मिलेगा तो लोगों को वहाँ खाने पीने की चीजें जो उनको बेचने के जाना पड़ता था अब उनके घर तक लोग लेने जाएंगे। वहाँ पर शॉप दुकान खोल रहे हैं, होटल्स खोल रहे हैं, वहाँ पर लोग गाड़ियों से जाएंगे तो वहाँ पर गाड़ी वाड़ी बनाने वाले हैं, वो सबका काम मिल रहा है पहला। दूसरा वहाँ पर मिल रहा है फिशरी का अच्छा उपयोग है, तो वहाँ आप फिशरी के लिए बहुत सारे चीजें होंगी, प्रोडक्ट्स वहाँ पर आसानी से बिक जाएंगे, ये उन लोग स्टॉल दुकान लगाना शुरू कर चुके हैं। अच्छा, तीसरा है वहाँ पर अगर जॉब के लिए बोलेंगे तो अभी ऑलरेडी तीन जॉब जो अभी ग्रेट वेट स्वीपर का, वहाँ पर मालिक का, एक चौकीदार का, तीन गाँव के लोगों को तुरंत रोजगार मिला। और आगे भी वोटिंग जो सबसे बड़ा चीज है जी सर, अगर वोटिंग स्टार्ट होगा तो वहाँ पर काफी 50 से 60 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी जी। तो कुछ लड़के जो गोताखोर होंगे उनको जॉब मिलेगा, कुछ वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट रहेंगे, कुछ अपना दुकान भी लगाएंगे और कुछ वहाँ पर जो वोट सिलसिला चलेगा पर्यटन के लिए, तो बहुत सारी चीजें। तो ये तीनों गांव के जो बीच के सेंटर का जगह वो ग्राम खैराबाड़, खड़का गांव, खिरलापाल, इन तीनों के जो पढ़े लिखे और बेरोजगार युवक हैं, युवतियां हैं, इनको रोजगार के लिए बहुत सारा यहाँ पर एक दिखता है हम लोग को जगह, और वो हम लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी पूरा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल में आने के, और जैसे कि आप सर सभी देख सकते हैं कि सांसरों को डेवलप करने के लिए सर का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है और बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड तौर पे सर ने काम किया वहाँ पे। तो आगे के वीडियोस में आप देख सकते हैं कि सांसरों के जो कुछ ड्रोन शॉट और कुछ फुटेज जो है मैं आपको सिनेमेटिक शॉट्स अपने जो आगे वीडियो में बताऊंगा। तो धन्यवाद सर। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों। करुणा फाउंडेशन की टीम और नारायणपुर पुलिस प्रशासन एवं गांव वालों के योगदान से बिजली डैम का जो सौंदर्यीकरण किया वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथ धोने के लिए किस तरह से शासन द्वारा यहाँ पे व्यवस्था की गई है, और उसके ठीक नीचे में जो है कूड़ादान बनाया गया है जिसे काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया है, और ये कुछ बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे पेड़ को जो कटा हुआ पेड़ था उसको रंग रोगन किया गया है आप देख सकते हैं। और पहले यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे पूरे सभी तरफ घास उगे हुए थे, तो उसे साफ सफाई कराकर कुछ इस तरह से नया रूप दिया गया है। और यहाँ पे कुछ सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं जैसे कि आप सामने देख सकते हैं हमारा नारायणपुर, और जो इस राइट हैंड साइड में दिया हुआ है वो आई लव नारायणपुर, और ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। जैसे कि दोस्तों आप पेड़ों में देख सकते हैं विंड चैम की तरह यहाँ पे लकड़ियों को कलर करके लगाया गया है ताकि यहाँ की सौंदर्यता और ज़्यादा खूबसूरत लगे, और पेड़ों को भी देखिए कितनी सुंदर तरीके से पेंट किया गया है, और यहाँ पे जो बैठने के लिए जो चेयर्स हैं सीट्स जो बनाए गए हैं उसको भी कलर रंग रोगन किया गया है। जो नहर है यहाँ पे नहर के अंदर कलर करके पत्थर डाला गया है ताकि इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़े। आप देख सकते हैं ये नज़ारा देखिए कितने बढ़िया तरीके से सौंदर्यीकरण किया गया है यहाँ पे। देखिए क्या खूबसूरत नजारा है, यहाँ पे एक हार्ट बनाया गया है ताकि लोग यहाँ पे आके रेस्ट कर सकें, और मेरे सामने दो सेल्फी पॉइंट हैं, एक में बटरफ्लाई का विंग्स बना हुआ है और एक में बाज जो यानी कि जो ईगल होता है उसका जो विंग्स बना हुआ है उसके सेंटर में आ जाके आप अपना सेल्फी खिंचा सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो के आगे में आप देख सकते हैं उसकी कुछ फोटोज़ में यहाँ पे आपको शो करूँगा। दोस्तों इस सांसरोवर बांध का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच मौजूद थे माननीय श्री दीपक बैज जी जो कि सांसद हैं बस्तर के, और उनके साथ जो विधायक जी थे हमारे माननीय श्री चंदन कश्यप जी, ये दोनों की मौजूदगी में इसका उद्घाटन किया गया है और इस पल को यादगार बनाने के लिए उनके द्वारा यहाँ पे पौधारोपण किया गया है।
दोस्तों जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, मेरे लेफ्ट साइड जो है हमारा नारायणपुर लिखा हुआ है और मेरे राइट हैंड साइड में आई लव नारायणपुर लिखा गया है। तो ये दोनों सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, यहाँ पे आप आकर अपनी अच्छी अच्छी सेल्फीज ले सकते हैं। और मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ और ऊपर जाकर मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ से किस टाइप का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं सीढ़ियों के द्वारा बांध के ऊपर आ चुका हूँ। ये जो मेड़ है यहाँ से आप कुछ इस प्रकार का नज़ारा देख सकते हैं बांध का। इस बांध की खासियत यह है कि बांध के दोनों ओर पर्वत श्रृंखला है और ऊंचे ऊंचे पेड़ आपको दिखाई देंगे। दोस्तों ये बांध को पालकी गांव वालों को ठेका में दे दिया गया है ताकि उनके द्वारा यहाँ पे मछली पालन किया जा सके। ये भी एक छोटा सा उद्योग है और आप देख सकते हैं यहाँ से इस टाइप का नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। आने वाले टाइम में यहाँ पे बोटिंग करवाया जाएगा शासन द्वारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों सौंदर्यकरण से पहले यहाँ पे इस टाइप का रेलिंग आपको देखने को नहीं मिलता था, यहाँ पे पूरा प्लेन था और रेलिंग अभी अभी लगाया गया है सौंदर्यकरण करने के समय और उसे रंग रोगन किया गया है। और यहाँ पे आप नोट पढ़ लीजिए, 4 व्यक्ति से ज़्यादा ना जाएं, यानी कि 4 व्यक्ति से ज़्यादा अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो गिरने का डर बना रहेगा, इसलिए रिस्क ना ले। बांध जो है काफ़ी ज़्यादा गहरा है और बांध के दोनों ओर राइट और लेफ्ट साइड इस तरह से पत्थरों को रंग रोगन किया गया है और फ्लैग लगाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा है। तो जैसे कि दोस्तों मैं शांत सरोवर बांध आ चुका हूं और मेरे सामने भैया हैं जो स्वरोजगार को हमारे जो जिले के आरआई सर हैं दीपक साहू सर, उन्होंने प्रेरणा दी थी और उन्हीं प्रेरणा से भैया ने यहाँ पे आज दुकान लगाया हुआ है। तो आज मैं उनसे मुलाकात कराता हूँ और हम जानेंगे कि भैया कैसे मतलब प्रेरित होकर यहाँ पे अपना दुकान लगाए। तो भैया आप पहले अपना नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों। मेरा नाम मंगतू मंडवी है, ये रहने वाला मैं केरबाट का हूँ और मैं यहाँ पे रह रहा हूँ 2018 से जी। चाय की दुकान के साथ साथ होटल भी खोलना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। इसी के साथ साथ और कि कल आरिफ साहब आया था बताया यहाँ पे दुकान खोलो कि यहाँ पे आना जाना चलते रहता है जी जी, ऐसे बोल के बोलता था। तो कल साहब लोग आए थे, 3-4 लोग थे, तो सर लोगों को बोला था कि आज मैं खोल दिया दुकान, चाय की गंजी भी रखा हुआ है, जैसे कि शुरू हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं चाय बन रहा है यहाँ पे और मैं आज इसका भैया का जो है बोहनी करूँगा यहाँ पे चाय पीकर। तो दोस्तों यही थे एक छोटी सी प्रेरणा और जो आरआई सर के द्वारा जो यहाँ के जो लोकल गांव वाले हैं और प्रेरित होके यहाँ पे अपना जो स्वरोजगार अपना स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आएंगे या जो भी यहाँ पे आएंगे घूमने के लिए उनसे कुछ मदद आर्थिक मदद हो जाए और अपना बिक्री भी हो जाए इस स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए। यही थी एक छोटी सी स्टोरी, धन्यवाद। दोस्तों जो लोग नारायणपुर से बाहर दूसरे ज़िले के हैं या छत्तीसगढ़ से बाहर दूसरे स्टेट से देख रहे हैं, तो नारायणपुर आने के लिए आपको अभी एकमात्र जो साधन है वो है बस। बस के सिवा अभी नारायणपुर पहुंचने का कोई अभी मार्ग नहीं है। भविष्य में अभी ट्रेन के लिए लाइन बिछ रहा है, भविष्य में ट्रेन
की सुविधा चालू हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अभी, जो हम जिस रास्ते में जा रहे हैं अपने बाइक से, वो है बस स्टैंड से सीधे सीधे कलेक्ट्रेट की ओर जा रहे हैं, और यही रास्ता सीधा जो है सांद सरोवर की ओर जाता है, जिसे हम बिजली डैम के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम कौन कौन सी जगह से हमको टर्निंग लेना है सांद सरोवर पहुँचने के लिए। दोस्तों तब तक के लिए छोटी सी एक जानकारी दे रहा हूँ, बिजली डैम जो है खैराभाट और खड़का गांव और केलापाल के बीच जो बना हुआ है, ये गांव के पास बना हुआ है, और इन्हीं दोनों तीनों गांव वालों से चर्चा करके बिजली डैम का नाम सांद सरोवर रखा गया है। दोस्तों ये जो अभी देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में अभी जिला अस्पताल है, और आगे जो हम जा रहे हैं और मेरे सीधे हाथ में मतलब राइट हैंड साइड में जो है कलेक्ट्रेट पड़ेगा, और ये जो देख रहे हैं फुटेज में आप मेरे वीडियो के, और कलेक्ट्रेट के ठीक सामने में एसपी ऑफिस है, और एसपी ऑफिस के ठीक सामने में जो है जिला पंचायत का ऑफिस है, और ये जो रास्ता है हम आगे जा रहे हैं महका गांव बोला जाता है इसे, ये महका गांव है, और यही गांव सीधे जो है बिजली डैम की ओर जाता है। दोस्तों सांद सरोवर या बिजली डैम जाने वाले मार्ग में रोड में आप जगह जगह जो है एरो का निशान बना हुआ दिखेगा, और साथ ही साथ एक मछली का जो है लैंडमार्क के तौर पे लगाया गया है कि यहाँ से टर्निंग लेना है। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि वो मछली का निशान कहाँ पे लगा हुआ है, और उस चौक का क्या नाम पड़ता है, और कहाँ से टर्निंग लेना है। जैसे कि अब हम लोग बिजली जो गाँव है वहाँ पहुँच चुके हैं, और यहाँ से आप खूबसूरती देखिए, प्राकृतिक खूबसूरती जो है छींद के दूर छोटे छोटे पेड़ हैं, पूरे बस्तर संभाग में छींद के ऐसे पेड़ आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे करुणा फाउंडेशन की टीम को, और हमारे नारायणपुर पुलिस प्रशासन एवं गांव वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके सहयोग से ये जो डैम जो है सांद सरोवर सौंदर्यीकरण किया गया, और इसे बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है पिकनिक स्पॉट के लिए या पर्यटन स्थल के लिए। दोस्तों मैं सांद सरोवर जगह को कवर करने के लिए सुबह सुबह बाइक 7:30 बजे निकल गया, और मेरे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं ये जो तालाब है, इस तालाब से धुआँ उठ रहा था। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का वो दोबारा ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बिजली गांव में, और ये जो रोड है सीधे जो है सांद सरोवर की ओर जाता है, आपको कहीं नहीं मुड़ना है। जब तक एक पानी टंकी आएगा दोस्तों, वहीं वो आपका लैंडमार्क के तौर पर याद रखिएगा, पानी आपके राइट हैंड साइड में एक बड़ा सा पानी टंकी आएगा, और पानी टंकी के सामने से लेफ्ट हैंड साइड में एक रास्ता कटा हुआ है, उस चौक को हम बोलते हैं सूर्या चौक, और वहीं पे एक मछली का निशान लगा हुआ है, जहां पे आपको डायरेक्शन बताया गया है कि यहां उस चौक से आपको जो है 2.5 या 2.7 किलोमीटर आपको सांद सरोवर पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों हम आगे पहुंचने ही वाले हैं उस पानी टंकी के पास, यानी कि सूर्या चौक के पास, वहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे। दोस्तों कुछ ही समय में हम पानी टंकी के पास पहुंचने वाले हैं, उस चौक का नाम है सूर्य चौक, और वहीं से हमको लेफ्ट टर्न लेना है। जैसे कि आप मेरे वीडियो में देख पा रहे हैं, वो सामने मेरे ठीक सामने में जो राइट हैंड साइड में पानी टंकी दिख रहा होगा, दोस्तों लैंडमार्क के तौर पे आप इसे याद रखिएगा, यहीं से आपको जो है लेफ्ट टर्न लेना है। और आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड में एक मछली का निशान लगा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है सांद सरोवर। ये जो सूर्य चौक है, यहाँ से आपको सांद सरोवर जो है 3.4 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगी। ठीक इसी चौक से आपको 700 मीटर की दूरी पे 700 मीटर यानी कि जैसे कि ये नाला देख रहे हैं, नाला से आपको फिर से लेफ्ट साइड लेना है, और यहाँ पे फिर से दोबारा मछली का निशान एरो लगा हुआ है, जो आपको डायरेक्शन बताएगा कि इस दिशा में आपको सरोवर बांध पड़ेगा।
और हम आगे जाते जाएंगे और ठीक आगे में खैराबहाट नाम से एक गांव होगा, वहां से भी आपको दोबारा से लेफ्ट लेना है और वहीं से 700 मीटर की दूरी पे आपको सांसरोवर जो बांध है आपको दिखाई पड़ जाएगा। अभी थोड़ी देर में आगे जो टर्निंग पड़ेगा, इस टर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसके आगे जो टर्निंग पड़ेगा वहाँ पे एक मछली का निशान लगा हुआ है जहाँ पे डायरेक्शन बताया गया है, वहाँ से सांसरोवर की दूरी जो है 2 किलोमीटर है। आज जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मछली का निशान, इसी मछली के निशान की मैं बात कर रहा था। और यहाँ पर जो छोटा छोटा जो पुलिया है उसको भी अच्छे से रंग रोगन किया गया है और चारों तरफ देखिए हरी भरी वादियाँ हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं एरो का निशान बना हुआ है रोड में और यहाँ पे पेड़ों को भी अच्छे से कलर किया गया है और देखिए कितने सुंदर तरीके से एरो का निशान के द्वारा बताया गया है कि आप इस डायरेक्शन में जाइए, सांसरोवर आपको बांध उसी डायरेक्शन में आपको मिलेगा। ये जो रास्ता है वो खैराबहाट हम गांव आ चुके हैं और गांव एरिया में आप जो है गाड़ी धीरे चलाइएगा, क्योंकि मैं सुबह सुबह आया हूं और इस समय ठंड काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अभी ज़्यादातर गांव वाले लोग हैं अभी घर से अपने बाहर निकले नहीं हैं। आप यहां पे जब भी आते हैं तो गांव एरिया में अपनी गाड़ी, चाहे वो आप 4-व्हीलर से आएँ या 2-व्हीलर से, अपनी गाड़ी जो है धीमे चलाएँ। और हम बस पहुँचने ही वाले हैं उस टर्निंग पर जहाँ से हमको लेफ़्ट लेना है और सामने देखिए मछली का निशान लगा हुआ है और एक ग्राउंड है, ये लैंडमार्क के तौर पे याद रखिएगा। यहीं से एक कच्ची रोड बनी हुई है, भविष्य में इसे डामरीकरण किया जा सकता है सरकार द्वारा। फिलहाल तो हम सांसरोवर जो है पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं ये रोड जो है रोड के दोनों तरफ मार्किंग किया गया है चूना से। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं और चारों तरफ रंग रोगन किया गया है, पेड़ पौधों को काफ़ी सुंदर से सजाया गया है, पौधारोपण किया गया है और देखिए पेड़ों के ऊपर कितने सुंदर तरीके से विंड चाइम की तरह हैंगिंग किया गया है, स्टार लगाया गया है। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, Be safe, be happy, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jawahar, Jai Chhattisgarh.